जब 41 साल बाद इस बिजनेसमैन ने खोज निकाली अपनी माँ, भावुक कर देंगे हालात। दुनिया में सबसे ज्यादा किसी रिश्ते को सम्मान दिया जाता है वो माँ के रिश्ते को ही दिया जाता है। आप इस धरती पर ऐशो आराम की ही जिंदगी क्यों न बिता रहे हो, लेकिन माँ की कमी किसी अन्य चीजों से पूरी नहीं की जा सकती है। कुछ ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ। यह शख्स अपनी माँ को खोजते खोजते सात समंदर पार आ गया। दरअसल डेनमार्क के रहने वाले डेविड नीलसन 41 साल बाद अपनी सगी माँ से मिलने भारत पहुँचे। डेविड अपनी माँ को पिछले 6 सालों से खोज रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनकी माँ फिलहाल मनाली में है। इस बात का पता चलते ही वो अपनी माँ से मिलने मनाली पहुँच गए। इतने सालों बाद अपने बेटे से मिल डेविड की माँ बस मेरा बेटा पुकारती रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर के मुताबिक डेविड अपनी माँ के साथ तमिलनाडु के पलावरम के एक चाइल्ड होम में रहते थे। चाइल्ड होम ने बिना किसी सूचना के डेविड को गोद दिए जाने वाले बच्चों की सूची में शामिल कर लिया। जब डेविड की उम्र महज 2 साल थी, तभी डेनमार्क के एक दंपति ने डेविड को गोद ले लिया। सबसे खास बात ये रही कि इस बात की जानकारी डेविड की माँ को भी नहीं हुई। डेविड की उम्र 43 साल है और वो डेनमार्क में ही बॉन्ड ट्रेडर है। बता दें, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की मदद से डेविड ने अपनी माँ को खोज निकाला। डेविड के दोस्तों और वकीलों ने भी उनकी माँ को खोजने में भरपूर सहयोग दिया। अपनी माँ से मिल डेविड ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक पल है। चेन्नई कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक डेविड का जन्म 3 अगस्त 1976 को हुआ था और उनके माता पिता का नाम धनलक्ष्मी और कालिया मूर्ति है। डेविड की मां धनलक्ष्मी मनाली में लोगों के घरों में काम करती हैं और वे अपने सबसे छोटे बेटे सर्वनन के साथ रहती हैं। डेविड के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए उन्होंने अपने दो बेटों को पलवरम के चाइल्ड होम में दे दिया और वे खुद भी वहीं रहने लगी थी।